यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अलग अलग जो गंगा जल है, इसके अलावा पवित्र मंत्र है, पीएम मोदी सीधे माँ गंगा के चरणों में यहाँ पर गंगा की पूजा कर रहे हैं, माँ गंगा की उपासना कर रहे हैं। भगवान सूर्य की जो किरणें हैं वह इस गंगा धरातल गंगा के जलों पर स्पर्श कर रही हैं और पीएम मोदी हाथ जोड़े हुए खड़े हुए हैं, वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहा है, जो वैदिक विद्वान है वो आए हैं, पुजारी हैं पूजा कर रहे हैं, पुजारियों की संख्या 5 से 6 है। दशा समेत घाट पर यह जो दुर्लभ नज़ारा है, यह जो एक धार्मिक नज़ारा है, ये आप देख सकते हैं अपने नामांकन के ठीक पहले पीएम मोदी इस तरीके की विशिष्ट पूजा अर्चना यहाँ पर करते हुए। तो अब ये हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि 5 से 7 मिनट यह पूजा अर्चना होगी, या यूँ कहें 10 मिनट भी हो सकती है पूजा अर्चना। और उसके बाद देखिए ये पुजारी कुछ पीएम नरेंद्र मोदी जी से कुछ कह रहे हैं कि आप कुछ मंत्र करिए, तो जो शब्द वह कह रहे हैं वह शब्द पीएम भी बोल रहे हैं। इसके अलावा वो लगातार हाथ जोड़े हुए खड़े हैं, गले में उनके लाल पट्टा है और पूजा अर्चना कर रहे हैं माँ गंगा की। और इसके अलावा देखिए पीछे पंक्तियों में देख सकते हैं जो वैदिक विद्वान हैं, पुजारी हैं, दक्षिण भारत के राज्य से आए, वो यहाँ पर खड़े हुए हैं। माँ गंगा की जो पूजा होती है इस वक्त सुबह के वक्त, इसकी विशेष पौराणिक काल में वैदिक मान्यताओं के अनुसार इसका विशेष महत्व होता है कि कोई भी शख्स जो माँ गंगा के पास आता है, यहाँ पर उनकी पूजा करता है, खुद उनका जो जल वो ग्रहण करता है और उनको अर्पित करता है जल, तो उसको विशेष पुण्य प्राप्त होता है, ऐसा हमारे वेदों और पुराणों में यहाँ पर लिखा हुआ है। और उसी वैदिक रीति का पीएम मोदी बनारस के दशाश्वमेध घाट पर इस रीति का यहाँ पर पालन करते हुए, और देखिए आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यह पूजा अर्चना ध्यानमग्न है पीएम मोदी, और वह उपासना कर रहे हैं। इसी तरीके का जो हमने ध्यान है वो ध्यान हमने देखा था जब कल काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी पूजा अर्चना कर रहे थे, ठीक उसी तरह कल एक दिन पहले काशी विश्वनाथ मंदिर की पूजा अर्चना पीएम मोदी कर रहे थे और आज दशाश्वमेध घाट पर माँ गंगा की पूजा उपासना पीएम मोदी यहाँ पर कर रहे हैं। सूर्य की किरणों की उपस्थिति में माँ गंगा के जल को वह प्रवाहित करते हुए, देखिए अब उनको बताया गया है पीएम मोदी की खास तस्वीरें हैं, ये देखिए ये तस्वीरें जो फूल हैं, जो अन्य पूजा की सामग्री है, वह माँ गंगा को समर्पित करते हुए और उनको ग्रहण माँ गंगा से अनुरोध करते हुए कि माँ गंगा हमारा यह प्रसाद है, हमारा यह जो हमारा यह कंट्रीब्यूशन है, इसको ग्रहण करिए। अब आरती की जो पूरी थाल है वह तैयार की चुकी है पीएम मोदी, गंगा आरती यह विधि है। देखिए पूरा जो गंगा आरती के लिए अब पिछले 4-5 सालों में बनारस विश्व भर में अपनी जगह बना चुका है, देश विदेश से लाखों पर्यटक गंगा आरती देखने आते हैं और इस पर कई काम भी किया है। दशाश्वमेध घाट समेत बनारस के करीब 25-30 घाट है, यहाँ पर ऐसी ही आरतियाँ होती है और गंगा आरती को पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया। देखिए पुष्प अर्पित करते हुए माँ गंगा को ये गेंदे का फूल है, लाल रंग का पुष्प है, वह माँ गंगा को अर्पित कर रहे हैं पीएम मोदी और इसके बाद पवित्र जल माँ गंगा को, देखिए यह पीएम मोदी नीचे गिरा रहे हैं और माँ गंगा को अर्पित कर रहे हैं। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये एक विशेष विधि है जिसका पालन करना होता है किसी भी उपासक का, किसी भी शख्स का। और ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आप न्यूज़ 18 इंडिया पे आप ये देख सकते हैं, जो वैदिक मंत्रोच्चारण का जो आप गूंज ये सुनाई देती है। और ऐसा माना जाता है कि जो इस पूरी प्रक्रिया को पूरी करता है वह विशेष पुण्य का हकदार होता है। और ठीक उसी तरीके से पीएम मोदी, देखिए पहले उन्होंने जल अर्पित किया, उसके बाद पवित्र मिश्रण संभवतः या दूध है, इसके अलावा अन्य जो इत्र है यह माँ गंगा को पूजा विधि के जो के अनुसार उनको अर्पण करना होता है, तो यह अर्पण किया जा रहा है और गंगा घाट पर दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी इसको अर्पित कर रहे हैं। अब इनको संभवतः जो अक्षत है चंदन है वह पकड़ा जाए, वह पीएम मोदी है, ये संभवतः दही है या दूध है, इन दोनों में से कोई एक चीज़ है जिसको पीएम मोदी अब अर्पित कर रहे हैं। तो हम यह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो 5 चीज़ों का मिश्रण है, पानी के साथ, दूध के साथ, दही के साथ, इत्र के साथ, केवड़ा जल के साथ, उन 5ों पवित्र तत्वों का, पंच तत्वों का जो अर्पण है वह पीएम मोदी माँ गंगा को कर रहे हैं। विशेष तस्वीरें, खास तस्वीरें हर काशीवासी का, हर भारतवासी का
इस विशेष पूजा स्थिति से जो खास नाता रहा है, क्योंकि वह अपने आप को इससे जुड़ा हुआ महसूस करता है। और इसी तरीके से पीएम मोदी लगातार जो देखिए जो सारी जो पूजा की विधि है, अर्चना की विधि है, वह पालन कर रहे हैं। अब जो मुख्य शासी वह पीएम मोदी को की मौजूदगी में कुछ मंत्र कह रहे हैं, उस मंत्र को पीएम मोदी यहां पर सुन रहे हैं, हाथ जोड़े हुए हैं। और संभवतः इस मंत्र को खत्म करने के बाद जो उनके हाथ में वह पवित्र अर्पण करने वाली चीज़ है, वह देखिए पीएम मोदी माँ गंगा के जल में समर्पित उस चीज़ को किया है। शायद फूल है, अक्षत है और इसके अलावा विशेष बहुत है, वह माँ गंगा के पवित्र जल में पीएम मोदी ने इसको अर्पित किया है। और अब इसके बाद कुछ पुजारी उनको एक और चीज़ देंगे। देखिए अब ये अक्षत है, ये अक्षत अक्षत का पानी है जो माँ गंगा को उन्होंने समर्पित किया है। अब इसके अलावा अन्य एक से दो चीज़ें और होंगी जो माँ गंगा को वह समर्पित करेंगे, और इसके बाद आरती होगी, गंगा आरती, जिसका कि मैं आपसे जिक्र कर रहा था। और अब देखिए थाली, गंगा की थाली की जो थाल है वह तैयार है। अब देखिए ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें देखिए माँ गंगा की जो आरती है वह पीएम, शायद कुछ पुजारी से वह समझ रहे हैं कि विधि क्या है, हम किस डायरेक्शन में हम पूजा करें या हम कि कहाँ हम देखें। तो ये पीएम मोदी संवाद करते हुए अब वह पुष्प अर्पित कर रहे हैं माँ गंगा को। और हिंदू मान्यता के अनुसार जब कोई भी शख्स गंगा पूजन करता है तो अलग अलग स्तर पर अलग अलग समय पर उसको पुष्प माँ गंगा को अर्पित करना होता है। और इसी क्रम के तहत पीएम मोदी अलग अलग समय में अलग अलग मंत्र के साथ ये पुष्प माँ गंगा को अर्पित कर रहे हैं। अगर ये हवन में जैसे हम आहुति देते हैं वैसे माँ गंगा पर ने को पुष्प का अर्पण कर रहे हैं। एक विशेष मंत्रोच्चारण हो रहा है और पीएम मोदी उस विशेष मंत्रोच्चारण के बाद इस पुष्प को माँ गंगा के चरणों में ये स्थापित कर रहे हैं, माँ गंगा के चरणों में उसका अर्पण कर रहे हैं। और इसके बाद जो जो अन्य पुजारी हैं वो उनको सारी चीज़ें यहाँ पर समझाते हुए, संभवतः अक्षत है और इसके बाद अन्य जो चीज़ें हैं वो पीएम मोदी माँ गंगा को जो अर्पण कर रहे हैं। जो ये विशेष रूप से खास तौर पर बुलाए गए दक्षिण भारत के जो विद्वान हैं, यह पूरी जो पूजा की विधि है उसको यह संपन्न कराते हुए। तो देखिए अब एक बार फिर पीएम मोदी जल उन्होंने अर्पण किया माँ गंगा को। और अब ये पूरी जो प्रक्रिया है वो लगभग अब समाप्त यहाँ पर होने वाली है। जो हम ये तस्वीरों में यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ यहाँ पर उनको फूल दिए गए हैं, वो फूल भी माँ गंगा को यहाँ पर अर्पित कर रहे हैं। तो बेहद यह धार्मिक नज़ारा है, बेहद मन को छूने वाला, किसी भी विशेषकर काशी के लोगों को या फिर किसी भी भारतवासी को। देखिए अब ये हाथ जोड़कर पीएम मोदी माँ गंगा की स्तुति कर रहे हैं और वह इंतज़ार कर रहे हैं कि अगला जो कदम होगा यह क्या होगा। देखिए ये आरती के लिए जो विशिष्ट विधि है, देखिए ये तस्वीरें देखिए, इसी तरीके से माँ गंगा की जो आरती होती है वो होती है। और पीएम मोदी अब माँ गंगा की आरती है वह करनी शुरू कर दी है। दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी की माँ गंगा की आरती, विशेष पूजा की जो रीति है, धार्मिक रीति है, वैदिक रीति है, उसका पालन करते हुए। तो किसी भी जो शख्स को यह रोमांचित करने वाली, किसी भी शख्स की धार्मिक भावना को छूने वाली यह तस्वीरें हैं कि जो शख्स प्रधानमंत्री है, जो शख्स इस देश का प्रधानमंत्री है, इस जगह का सांसद है, अपने नॉमिनेशन से पहले जो शख्स है वो इस पूजा की विधि का पालन कर रहा है। और ये एक बेहद खास तस्वीर है। शायद पीएम मोदी इससे यह संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि हर काशी का शख्स उनसे जुड़ा हुआ है। आज ही सुबह पीएम मोदी ने यह ट्वीट किया था, काशी से मेरा नाता अद्भुत है, बहुत ही पुराना है और इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस पूजा से पीएम मोदी जो हैं वो काशी के लोगों के, उत्तर भारत के लोगों में, पूरे भारत के लोगों में मन में बसने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। गंगा आरती कोई भी शख्स यहाँ पर होता है उसके लिए एक बहुत ही अहम पड़ाव होता है काशी यात्रा का। और गंगा आरती आज पीएम मोदी ने यहाँ पर की है
और इस विशेष पूजा जो पौराणिक जो पूजा की जो पद्धति है उसका पालन किया है। देखिए ये एक क्रम में सारे जो पुजारी हैं, सारे जो शास्त्री हैं, ये मौजूद हैं यहाँ पर और ये मंत्रोच्चारण हो रहा है गंगा आरती का। और जब हम शाम को आते हैं यहाँ पर गंगा घाट पर, बनारस के कई घाटों पर हम चक्कर लगाते हैं और यही गूंज, यही आरती, यही मंत्रोच्चारण हमें सुनने को मिलता है। तो इसको विकसित करने के लिए सरकार ने कई काम यहाँ पर किए हैं, अलग अलग घाटों पर आरती होती है, बकायदा टोकन मिलते हैं, लोग नंबर लगाते हैं, तो उस आरती का कितना महत्व है और पौराणिक काल से सैकड़ों सालों से जो आरती की परंपरा चली आ रही है उसका निर्वाह पीएम मोदी यहाँ पर कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए ये कि काशी के लिए, देश के लिए, भारत के लोगों के लिए यह पौराणिक आरती की जो पद्धति है कितनी ज़्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है। और लगातार देखिए जो इसके बाद आरती के बाद अर्पण की जो प्रक्रिया होती है, पुष्प अर्पण की जो प्रक्रिया तो होती है, जय माँ गंगे हर हर महादेव के गूंज के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त माँ गंगा की आरती उन्होंने की और विधिवत तरीके से पूजा अर्चना वहाँ चल रही है। हमारी सहयोगी मोनिका ठाकुर काल भैरव मंदिर जहाँ प्रधानमंत्री इसके बाद जाएंगे, उनके साथ एक पुरोहित हैं। मोनिका जरा हम समझना चाहेंगे जो प्रधानमंत्री अभी पूजा उनसे करवाई जा रही है उसके बारे में अगर बता पाए। प्रधानमंत्री जी इसमें गंगा पूजन कर रहे हैं, पावना नाम पतिता नाम तुम पावना नाम च पावनी गंगा गंगे ती बुर्याद योजना नाम सदैरपी। इस मंत्र से मोदी जी गंगा पूजन कर रहे हैं भाव श्रद्धा भक्ति के साथ और माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं कि देश का, पूरे विश्व का कल्याण हो और सभी जनता भारत की जो है खुशी रहे, समृद्ध रहे, समृद्धशाली रहे और माँ गंगा से प्रार्थना कर रहे हैं, फूल अर्पित किए जा रहे हैं माँ गंगा, हाँ माँ गंगा का फूल पत्ते, माँ गंगा का पूजन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं माँ गंगा से, गंगा माता सभी प्राणियों को बुद्धि दीजिए और सभी प्राणियों का कल्याण कीजिए। आज गंगा का सप्तमी का गंगा सप्तमी का काशी में बड़ा महत्व है, आज ही गंगा का अवतरण हुआ था, गंगा आज ही पृथ्वी पर आई थी जो है राजा भगत पुरुषों को तारने के लिए 60,000 वर्ष तपस्या की थी। आज मोदी जी गंगा जी का श्रद्धा भक्ति के साथ पूजन कर रहे हैं। समझाते हुए कि प्रधानमंत्री किस तरह से वहां महागंगा के लिए पूजन कर रहे हैं, अभी कुछ देर पहले प्रधानमंत्री ने आरती की और पंचामृत जो है वो भी माँ गंगा को अर्पित किया, पुष्प अर्पित किए। मोनिका लगातार हमारे साथ बनी है। मोनिका जरा आप जो पुरोहित आपके साथ हैं उनसे बात करते जाइए, समझेंगे हम उनसे, पूरा देश समझेगा प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पर जो पूजा कर रहे हैं उसके बारे में और हम 400 के पार हो जाएं। अच्छा, कोई कुछ खास मंत्रोच्चारण जो होता है? हाँ, ये है गंगा गंगे उब्रियाद योजना नाम सतेरपी मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम स गच्छति, यही माँ गंगा का मूल मंत्र है, माँ गंगा का प्रार्थना है। ये पंडित जी के हाथ में है, ये समझने की क्या है? ये पुष्प लिए हुए हैं, पुष्प लिए हैं, पुष्प दे रहे हैं मोदी जी को। आप गंगा जी का प्रार्थना कीजिए भाव भक्ति के साथ, मोदी जी गंगा जी का जो है ध्यान कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं। अच्छा, आप ये इसको गंगा में प्रवाहित करेंगे? हाँ, गंगा जी में, हाँ गंगा में प्रवाहित करेंगे, गंगा जी को दुग्ध चढ़ाएंगे, जल अर्पित करेंगे, पुष्प अर्पित करेंगे और माँ गंगा साक्षात दंडवत प्रणाम करेंगे। आप देखिए अभी प्रणाम भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हाँ प्रणाम कर रहे हैं, सदा भाव भक्ति के साथ गंगा माता को प्रणाम कर रहे हैं। माँ गंगा को चारों दिशा में घूम करके सबको प्रणाम कर रहे हैं। ये गंगा जी का ये बड़े पुराने भक्त हैं गंगा जी के, माँ गंगा की। अच्छा, गंगा सप्तमी में आज इस तरीके का पूजन, इसका क्या महत्व है? इसका मतलब गंगा जी आज गंगा का रूमा का आज जो गंगा जी का पूजन करता है वो जो है 7.5 जन्म के उसके पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये देखिए आप झुक कर जो है शीश नवाकर माँ गंगा से आशीर्वाद मांग रहे हैं, साक्षात दंडवत प्रणाम कर रहे हैं जो ये जो है यही यही जो नमन कर रहे हैं माँ गंगा को, माँ गंगा आप सादा प्रणाम। तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कुछ खास मंत्रोच्चारण भी साथ साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो खास मंत्र कौन कौन से आप देखिए? अर्जुनी गोमती चैव चंद्रभागा सरस्वती कावेरी कृष्ण वेणा च गंगा चैव महानदी, हे माँ गंगा का जो है प्रार्थना कर रहे हैं, मन में जो मोदी ध्यान लगाए हुए हैं और माँ गंगा का जो ये आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। लगभग इसके बाद काल भैरव मंदिर भी प्रधानमंत्री आएंगे, क्या खास विधि रहेगी? यहाँ काल भैरव को मंदिर में आते हैं, बाबा से प्रार्थना करने के लिए आ रहे हैं, जो हमारा जो है 7 जन का जो पाप हो, जो
देश पर जो प्रकार का ग्रहण हो, किसी प्रकार का जो आफत हो, उसको आप दूर कीजिए और सबको बच्चियों को खास राहुल गांधी को सदबुद्धि दीजिए। यही जो है प्रार्थना कर रहे हैं काल भैरव जी से, काशी की पुतवाल है ये जो है। आज आज एक खास योग भी लग रहा है, शिव और शक्ति का, शिव शक्ति का जो है महान आज आज योग है। हाँ, आज ही जो है गंगा जी को शिव जी को ने यहाँ अवतरण किया था गंगा जी पर। अमित पूजा संपन्न हो गई है।